बीजेपी कार्यकर्ता से परेशान होकर आत्मदाह करने पर बुजुर्ग की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने इस घटना के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। परिजनों ने कहा कि यदि पुलिस सही समय पर इस मामले में कार्रवाई कर लेती तो आज ये हादसा नहीं होता। ये मामला छतरपुर का है। मृतक हरेश चौरसिया महाराजपुर में फल का ठेला लगाता था। उसी की दुकान के पास ही लेखराम सेन भी एक ठेला लगाता था। कुछ समय पहले लेखराम ने हरेश से कुछ फल खरीदे थे, लेकिन वो उसके पैसे नहीं दे रहा था। बार बार पैसे मांगने पर भी लेखराम कोई ना कोई बहाना बनाकर हरेश के पैसे नहीं दे रहा था। इसी को लेकर इनका आपस में विवाद बढ़ गया। मरने से पहले घायल हरेश ने बताया था कि लेखराम सेन, कपिल सेन और रिंकू सेन ने इसे काफी प्रताड़ित किया। इस मामले की शिकायत उसने पुलिस में भी करनी चाहिए, लेकिन लेखराम बीजेपी कार्यकर्ता है इसलिए पुलिस ने उसकी नहीं सुनी, जिससे तंग आकर इसने आग लगा ली। मेरे आग लग गई, अपने आग लगा ली। मेरे सामने ठिरिया लगाया तो मेरे बाल अच्छी भूखन मर रहे थे इसलिए लगा ली। मेरे पैसे नहीं देता है, फरपुर मेरा ले लिया, पैसे देता नहीं है। मैंने पैसे मंगाए लड़ने के लिए तैयार। लेखराम सेन, रिंकू सेन, कपिल सेन महाराजपुर थाने शिकायत करने गए तो किसी ने शिकायत नहीं लिखी। तो है बीजेपी का नेता रिंकू सेन, हाँ इसके लिए तो किसी की सुनवाई नहीं होती, थाने में उसकी सुनवाई होती है। वहीं अब मृतक के परिजनों का आरोप है कि यदि पुलिस ने सही कार्रवाई की होती तो शायद हरेश चौरसिया आत्मदाह नहीं करते और आज वो हमारे बीच होते। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृतक के परिजनों की शिकायत के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाद हमारा उस आगे वाले ठेले के साथ बहुत साथ में हुआ था, वहाँ थाने गए थे सुबह, मगर कुछ नहीं, हम लोगों ने रिपोर्ट लिखाई, उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी और उल्टा और वो आए जिसका आगे ठेला लगा था, पता नहीं कौन सी चलती वाला आया, उसने पुलिस वालों ने धमका के भगा दिया। यही बोले बोले जाओ यहाँ से निकलो, अभी इधर कोई काम नहीं होगा, चलो भागो। हम लोग निकल के आ गए। हम लोगों ने कहा बोल रहे हैं तो सबको अंदर डाल देंगे, इधर जो भी करना हो, बोले धमकी भी दे रहे हैं, हमको मानने की धमकी दे रहे थे वो। अच्छा, कुछ नहीं, पापा ने कोई आग लगा ली, बोल रहे हमको मानना है तो मैं खुद अपने हाथ नहीं मरे जा रहा हूँ। दो लोगों का विवाद था ठेला लगाने को होकर, और इसमें जो दूसरा पक्ष है जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था थाने में, और दोनों का झगड़ा बीच में नगर पालिका तक भी गया था, वहाँ से कुछ सुलहनामा भी हुआ था। इसके बाद घटना दिनांक को इनका झगड़ा हुआ और फिर इसके बाद इसने जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है इसने मिट्टी का तेल डाल के आग लगा ली थी। इसकी जो जानकारी है मृत्यु हो गई है दौरान इलाज, और इसकी मर्ग डायरी थाना महाराजपुर में जैसे ही प्राप्त होती है इसमें तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक सवाल है कि कोई आवेदन था इसका, तो उस पर पृथक से एक एसटीपी द्वारा जांच की जा रही है, वो एक अलग विषय है। और इसकी जो मौत हुई है दूसरे ठेले वाले से झगड़े के कारण, ये मर्ग जांच का विषय है, दोनों पे ही कार्रवाई की। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements. Atal Incubation Center for nurturing startups. Industry Academia collaboration for exposure of real industry world. 20 centers of excellence for research. Saathi Global Festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज।